हेलो, एम आई ऑडिबल? सो विल रिवाइज फर्स्ट। ब्लू को क्या बोलते हैं? ब्लू को जापानीज में क्या बोलते हैं? आओई। करेक्ट। हाउस को? हाउस नॉट ले। ये करेक्ट। फिर रेलवे स्टेशन? एक ही। करेक्ट। स्टूडेंट को? गॉक्स। करेक्ट। देन फैमिली? काजोकू, नॉट को। करेक्ट। काजोकू। सबवे? चिक्का तेच्छी। करेक्ट। देन फिश? साकाना। माय मदर? हाँ। देन आई को? आईज। आईस में? करेक्ट। फिर अगर आप फोन को रिसीव कर रहे होगे तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले? मुश मुश। करेक्ट। बट उसको लिखने में दिखते समय मुशी मुशी दिखे, बोलते समय वो मुश मुश बोलते हैं पर लिखते समय वो मुश मुश आएगा। ठीक है। Then I'll make the letters tell me कौन से कैरेक्टर्स हैं। ओके। मिनट। करेक्ट। ये कौन सा कैरेक्टर है? ता। करेक्ट। नहीं। ओके। ओके। इट्स नॉट का।
गा करेक्ट, इट्स नॉट का, इट्स गा। जू करेक्ट। और अभी कौन सा हो गया वो? अभी ये कौन सा है? सिर्फ ये, इट्स नॉट ऊ, इट्स जू करेक्ट, जू। ये कौन सा है? ये वो है। सो आज के लेक्चर में हम लोग वाई लाइन पढ़ेंगे कि वाई लाइन में सिर्फ तीन ही लेटर है, या यू जो। ओके, इधर मतलब इधर ई वाला वॉवल और ए वाले वॉवल के लेटर्स नहीं है, सिर्फ तीन ही है, या यू और यो। ओके, हम पहले लेटर में या, तो या के तीन स्ट्रोक्स है, फर्स्ट वाला रिलीज, सेकंड वाला स्टॉप और थर्ड वाला भी स्टॉप। पहले भी स्टॉप हो गया या पहले रिलीज, फिर स्टॉप, फिर ये हो गया या। अभी आप अगर इधर देखोगे तो यहाँ ये सेकेंड स्ट्रोक ब्रशअप जैसा, पर ये ब्रशअप सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म्स में, और आपको जैपनीज कैलीग्राफी पता है वैसे, बड़े बड़े इसमें जैपनीज लेटर्स लिखते हैं, सिर्फ तभी सेकेंड स्ट्रोक ब्रशअप रहता है। पर अभी हम नोटबुक में लिख रहे हैं तो फिर उसको हम स्टॉप लिखेंगे। ओके, वाकरी मास्टर का करता। और इसका और एक ये है कि ये फर्स्ट स्ट्रोक और थर्ड स्ट्रोक, मतलब ये वाला, ये ऐसे टच नहीं होना चाहिए जैसे इधर हो रहा है, दे शुड नॉट टच। ट्राई मेक वंस अगेन, रिलीज, स्टॉप, तो दिस इज या। फिर नेक्स्ट है यू। तो यू के दो स्ट्रोक्स हैं, दोनों रिलीज, जी रिलीज, रिलीज, क्वाइट सिंपल। रिलीज, सिर्फ अभी इसमें भी कुछ कुछ प्रिंटेड फॉर्म्स में ऐसे लिख, ऐसे, पर ऐसे मत लिखना, हैंड रिटन फॉर्म ऐसे।
और फिर ये हाँ फर्स्ट रो है ना, ये लाइन और वो कर्व का जनरली सेम हाइट रहता है, तो दे शुड कम बिटवीन दैट। ये ऐसे सेम हाइट में आना चाहिए, और थर्ड स्ट्रोक फर्स्ट वाले से जरा हाइटेड और कर्व्ड तो फिर ये हो गया यू वाकारी मास्टर का। एंड मेक वन सेकेंड, वन मिनट। This लैपटॉप पे वो अच्छे से ये नहीं हो रहा। और पुलिस दिस इज यू वाकरी मस्ता का। दिस इज यू एंड द नेक्स्ट लेटर इज यू। टू स्ट्रोक्स एंड बोथ आर स्टॉप। जी नी और नीचे लू स्टॉप। अभी इसका है ना यो का, वो जनरली ये फर्स्ट रोक है ना, वो कोई कोई लोग नीचे निकालते हैं तब काइंड ऑफ लाइक जरा सा स्लैंटिंग, तो वो ज्यादा अच्छा है। मैंने निकाला है वो उतना अप्रिशिएटेड नहीं है, चल मेरे को जरा नीचे वाला जरा सा नीचे। फिर ये ऐसे नीचे लूप क्या फिर अभी वापस यो केस में क्या कि वो लूप को कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा, मतलब उसको फैंसी बनाने में नहीं जाएगा। डोंट डू दिस थिंग, ये गलत है। और फिर वापस इसका ये सेम होना चाहिए, बॉटम लाइन दोनों इसमें टच करना okay. और कभी कभी कोई कोई जल्दी जल्दी में यो ऐसे लिख देता है, ये गलत है। ये वाला पार्ट नहीं है उसमें, ये वाला पार्ट नहीं है। So that is you. एक बार मैं वापस बनाता इच्छी नी वाक करें मस्त का। दैट इज यू। सो वी विल नाउ रीड द वर्ड्स। पहला वाला क्या है? प्लीज आंसर इट। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर को लिखो इंग्लिश में। यामा। ओके सो यामा मीन्स माउंटेन। सो अब इसका सेंटेंस हो सकता है कि वो
ऊंचा माउंटेन, कोई तो माउंटेन का नाम, अभी हम लोग एवरेस्ट बोलते हैं, तो वो ऊंचा माउंटेन एवरेस्ट है, तो फिर वो उसको जापनीज से बोलोगे आनो तो ताकाई यामावा एवरेस्ट दिस, एवरेस्ट टू दिस, सो आनो ताकाई यामावा एवरेस्ट टू दिस। तो आनो मतलब वो, ताकाई मतलब ऊंचा, यामा मतलब माउंटेन, ये एवरेस्ट और दिस मतलब है, सो आनो ताकाई यामावा एवरेस्ट टू दिस। ओके, देन रीड द नेक्स्ट वर्ड। युकी, युकी मीन्स स्नो, तो अभी आपको बोलना है कि लास्ट ईयर बहुत स्नो गिरी थी, तो फिर ओके, ये आप खुद बताना। लास्ट ईयर को मैं, लास्ट ईयर आपको बताया कैसे लिखने का है, आई थिंक आई डिड नॉट, ओके लीव, मैं बताता हूँ। तो लास्ट ईयर मतलब क्योंन है, सो क्योंन वा युकिगा योकत्ता दिस, सॉरी क्योंन वा युकिगा ओकत्ता दिस, मतलब लास्ट ईयर स्नो बहुत गिरा था, बहुत था, क्योंन मतलब लास्ट ईयर, यूके मतलब स्नो, ओकत्ता मतलब बहुत, दिस मतलब है, क्योंन वा युकिगा ओकत्ता दिस, लास्ट ईयर स्नो बहुत था। वाकरी मास्टर का रीड द नेक्स्ट वर्ड। यू मे, करेक्ट, इट्स नॉट नो, इट्स मे। आपको कंफ्यूजन है क्या, मैं वापस एक बार बताता हूँ, नो और मे का डिफरेंस। दिस लूप जहाँ है वो हो गया नू, और जहाँ लूप नहीं है सिर्फ रिलीज है वो हो गया मैं। दिस इज नू एंड दिस इज मे, ओके, सो इट्स नॉट यू नो, इट्स यू मे, सो यू मे मतलब ड्रीम। तो आप कभी कभी बोलते हो कि देखो कि मेरा सपना है कि मैं सो एंड सो बनूं, अभी इधर हम लोग पायलट बोलते हैं, सो मेरा सपना है कि मैं पायलट बनूं, तो मैं बोलूँगा वातशी नो युमे वा पाई रेतो नी नारू कोतो दिस। वातशी नो मतलब मेरा, युमे मतलब ड्रीम, पायलट मतलब पायलट, नी नारू मतलब बनना, कुछ बनाना रहता है, मतलब बनना रहता है, तो फिर उसको नारू आता है, कोतो दिस मतलब चीज है। ओके, ये मैं लिटरल ट्रांसलेट बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, बट अगर पूरा सेंटेंस देखो जाएगा, देखा जाएगा, तो फिर उसको बोलेंगे कि मेरा सपना है कि मैं पायलट बनूं, वातशी नो युमे वा पायरेट नी नारू। और उनके इधर अभी ये कंफ्यूजन हो रहा रहेगा कि मैं पायरेट क्यों बोल रहा हूँ, और उनका र और एल का प्रोनंसिएशन बहुत सेम रहता है, ओके, तो इसलिए वो मैं बोलते समय वो पायरेट लग रहा है, पर वो पायलट है, तो पायरेट नी नारू कोतो दिस, वातशी नो युमे वा पायलट नो नारू कोतो दिस। मकरी मास्टर का रीड द नेक्स्ट वर्ड। योजी, ओके, तो योजी मतलब 4 o'clock, तो इधर ये यौन का है ना, वही यो है, तो फिर यौन ऐसे लिखते हैं, आप अभी यौन लिखना जान गए, ये हो गया यो,
क्या, दिस इज 4, यूजी मतलब, और यूजी मतलब 4 o'clock, और ये मत इसका नंबर 4, ये उनका मीटिंग है नंबर 4। सो अभी मुझे बोलना है कि मैं 4 बजे रेलवे स्टेशन गया था, तो मैं बोलूँगा वाताशिवा योजी नी एक ए इकी माश्ता। वाताशिवा मतलब मैं, योजी मतलब 4 बजे, सुपा मतलब सॉरी एकी मतलब रेलवे स्टेशन, और इकी माश्ता मतलब गया था। वाताशिवा योजी नी सुपा ए इकी माश्ता, सॉरी वाताशिवा योजी नी एकी ए इकी माश्ता, दैट इज योजी, यानी सॉरी रीड द नेक्स्ट। याने, सो याने मतलब प्रूफ। तो मुझे बोलना है कि मेरे घर के छत का कलर ब्लू है, तो मैं बोलूँगा वातोशिनो इएनो याने गा उई दिस, वातोशिनो इएनो याने गा आउई दिस। वाताशिनो मतलब मेरे, ये मतलब घर, ये नो मतलब घर के, याने मतलब रूफ, और आवे मतलब ब्लू, दस मतलब है, मेरे घर के रूफ का कलर ब्लू है। वाताशिनो ये नो याने का आओई दस। प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्ड। यास, सो यासे मतलब वेजिटेबल। तो आपको अभी बोलना है कि वो शॉप है वहाँ वेजिटेबल सेल करते हैं, कि वहाँ सब्जी बेचते हैं, तब बोलोगे सोनो मिसेवा यासाई ओ उत्तेरु, सोनो मिसेवा यासाई ओ उत्तेरु। सोनो मतलब वहाँ, मतलब वो, मिसे मतलब शॉप, या सही मतलब वेजिटेबल, उत्ते इरु मतलब सेल करता है, वो शॉप वेजिटेबल सेल करता है। सुनो मिसे वा या सही ओ उत्ते इरु। विल मूव ऑन टू द आर लाइन। वाई लाइन सबको समझा क्या? वाई लाइन का वाकरी मस्तक, सो विल मूव ऑन टू द आर। सो आर लाइन में सब है, रारी रू रे रू, बट ये लोग मतलब जापनीज लोग आर का प्रोनंसिएशन बहुत अलग करते हैं। ओके, इट्स समवेयर बिटवीन एल एंड आर, तो इट्स रा रा ऐसा कुछ प्रोनंस, लाली लू ले लो ऐसा, मतलब जरा जरा सा उनका वो वॉइस एल के इधर जाता है। सो दैट्स इट। सो फिर फर्स्ट लेटर है रा, तो रा का 2 स्ट्रोक है, पहला वाला ब्रशअप और दूसरा वाला रिलीज, ब्रशअप और रिलीज, ब्रशअप और रिलीज। तो ये है रा, तो इसमें ध्यान दो कि ये ना इस पाथ में जाना चाहिए, मतलब लिखते समय आपको टाइप ऑफ ऐसा लिखना है, सिर्फ बीच में गैप छोड़। और मतलब कि उसको ऐसे मत लिखो,
ये गलत है। इधर देखो कुछ ये लाइन फॉलो अप लाइन कुछ ऐसा है, ऐसा गलत है। और ये फर्स्ट ब्रशअप है ना, हाँ ये ब्रशअप है ना, वो कभी कभी लोग लिखते नहीं, ऐसे कर देते हैं, ये तो ये गलत है। पहला वाला ब्रशअप अच्छा होना चाहिए, और वही ब्रशअप के स्ट्रोक से सेकंड स्ट्रोक भी बने। दिस इज रा रा बकरी माशा का। वक्त सो नेक्स्ट लेटर इज री, तो इसका फर्स्ट स्ट्रोक है ब्रशअप और सेकंड स्ट्रोक है रीड्स, बहुत सिंपल है। ब्रशअप और रीड्स, ओके फाइन, ये सेकंड स्ट्रोक बहुत बड़ा। दिस इज री, ये फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड स्ट्रोक दोनों कर्व है, मतलब ये सीधा ऐसा, मतलब ये गलत है। और इसके मतलब ये पैरेलल है दोनों, तो आप ऐसे लिखने गए ऐसे तो वो गलत हो जाए। और एक है कि ये बहुत ऐसे मतलब दे आर स्लिम, द लेटर इज स्लिम, सो यू शुड नॉट मेक द लेटर फैट, डोंट मेक योर लेटर एक्स, ये गलत हो गया। सो योर लेटर शुड बी स्लिम एंड पैरेलल। मैं एक बार वापस बनाता हूँ, लिटिल कर्व एंड ब्रशअप, फिर सेकंड स्ट्रोक, ये हो गया री री वाकरी मस्तका। व्हाइल राइटिंग द गैप शुड बी, कौन से लेटर के बारे में बोल रहा हूँ? विच गैप आर यू टॉकिंग अबाउट? दिस गैप? नो नो, इट शुड बी लेस, बट कुछ ज्यादा कम मत करना, मतलब वो कैरेक्टर जरा स्लिम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बिगर, मतलब बहुत भी कब बड़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली दिस साइज। आप अगर ऐसे बहुत छोटा बनाने गए तो वो भी गलत हो जाएगा, और बहुत बड़ा बनाने गए तो वो भी गलत हो जाएगा। इधर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा गैप आ गया, तो ये हो गया रे वाह करी मास्टर का। ओके देन द नेक्स्ट लेटर इज लू, तो इसका ये एक ही स्ट्रोक है ओके, और वो स्टॉप। नीचे फिर ऊपर फिर कर्व वाले, फिर ऊपर जाओ और फिर ये हो गया रू। ओके इसका भी ध्यान रखना है कि 1 मिनट एक बार और अच्छे से बना। ये है
ये अपराइट है, ऐसे सीधा सीधा, ऊपर का ये वाला पार्ट और नीचे का लूप दोनों सेम साइज के होने चाहिए, और सेम मतलब बीच में आने चाहिए दोनों। और फिर इसका और एक रूल का ये है कि ये वाला पार्ट है ना, जो कर्व होता है, वो ऐसे ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है। और अगर आप लूप का पोजीशन चेंज किए, इधर अब बहुत ही पहले बनाते, फिर ये भी गलत है। फिर इधर लूप है, इधर लूप हो गया, बहुत ही बाजू में चला गया। सो द लूप शुड बी इन द सेंटर विद दिस लाइन, और ये कर्व है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शायद एक वन सेकेंड, ये नीचे जाओ, फिर कर्व, और फिर लास्ट में दिस बिकम्स ब्रू खाकी माश्ता का। खाकी माश्ता का मतलब डिड यू राइट। दिस इज द नेक्स्ट लेटर इज रे, तो ये लेटर किसके जैसे तो दिखता है, कौन सा लेटर? नहीं, करेक्ट, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट है, एंडिंग पार्ट, वो अलग है। तो इसके वापस रूल्स सब वही सेम रहेंगे। स्ट्रेट लाइन, फिर ये इधर थोड़ा सा उधर नीचे, फिर ये ऊपर जाओ, नीचे जाओ, फिर ये रिलीज बन। Somewhat like this. So first stroke, then second stroke, नीचे जाओ, फिर वापस ऊपर जाओ, फिर स्ट्रेट नीचे, और फिर इधर से रिलीज। दिस इज रे। सिर्फ इधर मेरा ज्यादा इतना नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ, ओके। अभी इसका ये है कि ये बॉटम लाइन, करेक्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बॉटम लाइन को टच नहीं करना चाहिए। और वापस लास्ट टाइम मैंने जो बोला था, वो ये वाला पार्ट बहुत बाहर नहीं आना चाहिए, ये वाला पार्ट आना चाहिए, बट ये वाला पार्ट इतना बाहर नहीं आना चाहिए। ओके, जैसे ने के रूल्स थे, वही रे के रूल्स है। सो वाकरी मस्त का। That is रे। फिर ये है लास्ट लेटर, ये अभी हम लोग ने एक लेटर पढ़ा था उसके जैसे दिखता है, कौन सा लेटर था वो? रू। तो सिर्फ रो में लूप था लास्ट में, रो में रिलीज। तो फिर ये रू से भी ज्यादा सिंपल है। नीचे जाओ,
ऊपर जाओ, ये होगा दिल्ली, ये भी लेटर स्ट्रेट होना चाहिए ऐसा। ओके, लेटर शुड बी स्ट्रेट, ये हो गया। इसका भी वही है कि इसका ये बहुत कर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बाकी सब सेम रूल्स। इट्स लाइक थ्री, या इट्स समवट लाइक थ्री, पर अभी थ्री ऐसा रहता है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है, इसका ऊपर वाला पार्ट छोटा है और फिर ये वाला लाइन बड़ा है, ये छोटा है फिर ये बड़ा, नीचे जाके उसको उसके लेंथ को पार कर रहा है। एंड देन द कर्व, इट्स लाइक थ्री, बट थ्री मत बना देना, दैट इज रू खाकी माश्ता का। लेट्स रीड रीड द फर्स्ट वर्ड। इट्स नॉट उरु, यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन। मैंने आपको उ और चू में फर्क बताया था। Why are you getting confused in two and two? ये है ऊ, ऊ के ऊपर ऐसा डैश आता है। ओके, और सू ऐसा है, सू जरा लंबा है उसे। तो ये हो गया ऊ, और ये हो गया सू। एंड दिस इज शुरू, सो शुरू मतलब क्रेन। सो अभी अब आपको बोलना है कि क्रेन इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, आप बोलोगे शुरू हुआ किरेना तोरिदिस, शुरुआ किरेना तोरिदिस, शुरू मतलब क्रेन, किरेना मतलब ब्यूटीफुल, तोरी मतलब बर्ड, दिस मतलब है, क्रेन ब्यूटीफुल बर्ड है, सुंदर पक्षी है, शुरुआ किरेना तोरिदिस। वाकरी माश्ता का ओके, देन रीड द नेक्स्ट वर्ड प्लीज। सोरा, सोरा मतलब स्काई। तो अब आपको जनरल फ्रेज है कि द स्काई इज ब्लू, तो वो जापनीज में बोलोगे सोरावा आओई दिस, सोरावा आओई दिस, सिंपल है। सोरा मतलब स्काई, आओई मतलब ब्लू, दिस मतलब है सोरावा आओई दिस। चुगिनो कोतो योन्दे कुदासे, प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्ड। वन मिनट, रोकू, रोकू मतलब सिक्स, ये हो गया आपका। सो अभी आपको बोलना है कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो आप बोलोगे कि वाताशी वा माई आशा रोकू जीनी ओकिमस। ओके, वाताशी वा माई आशा रोकू जीनी ओकिमस, वाताशी मतलब मैं, माई आशा मतलब हर दिन, रोकू जीवनी मतलब 6 बजे,
ओकिमास मतलब उत्तम, वाचशिवा माया सरुकुजनी ओकिमास। ये हो गया रुक। ओके समझा क्या? सो रीड द नेक्स्ट वर्ड। सारू, सारू मतलब मंकी। अभी आपको बोलना है कि वो मंकी पेड़ पे चढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सोनो सारुवा कीनी नोबुरिंस। सोनो मतलब वो, सारु मतलब मंकी, की मतलब बताओ क्या है? की हो गए, बताओ। ट्री कर, और नोबोरिमास मतलब चढ़ रहा है। सो सोनो सारुवा कीनी नोबोरिमास, तो वो मंकी पेड़ पे चढ़ रहा है। ओके सुगेनो कोतोबाओ योंदे कुदासे, मतलब नेक्स्ट वर्ड पढ़ो। खायरू कर, खायरू मतलब फ्रॉग। तो आपको बोलना है कि ये लेक में बहुत सारे फ्रॉग है, तो आप बोलोगे कोनो इके नो तकसान खायरूगा इमास। कोनो मतलब ये, इके मतलब बताओ क्या? फास्ट फास्ट, इके मतलब क्या? पॉन्ड, करेक्ट। कोनो ओके या कोनो इके नो ताकसान, सॉरी कोनो इके नो नाकानी ताकसान खायरुगा इमास, मतलब ये लेक में बहुत सारे फ्रॉग है। खाय कोनो मतलब ये, इके मतलब पॉन्ड, नो नाकानी मतलब उसके अंदर, ताकसान मतलब बहुत, खायरू मतलब फ्रॉग, इमास मतलब है। ओके सो फिर उसका आएगा कोनो इके इके नो नाकानी ताकसान खायरू गा इमास। और सुगी नो कोतोबा ओ युंदे कोदासे, रोबा करेक्ट। रोबा मतलब डोंकी। तो अभी आपको बोलना है कि उस डोंकी पे, डोंकी के ऊपर बहुत सारे वुड रखे, मतलब लकड़ियां रखे, तो आप बोलोगे रोबा नो उएनी ताकसान कीगा अरिमस। रोबा नो उएनी मतलब डोंकी के ऊपर, रोबा मतलब डोंकी, उइनी मतलब उसके ऊपर, ताकसान की मतलब बहुत सारे लकड़ियां, अरिमास मतलब है, उस डोंकी के ऊपर बहुत सारे लकड़ियां है। रोबानो उइनी ताकसान की गा अरिमास। तो अभी इधर की का दो दो मीनिंग हुआ, एक था मतलब इस इसमें की का आपको दो दो मीनिंग समझा, एक की का मीनिंग है ट्री और दूसरे की का मीनिंग है वुड। सो ये हो गया आर लाइन के सी वर्ड्स, सुरु सोरा रोकू सारू खायरू और रोबा। तो अभी हम लोग ये वर्ड्स मतलब डब्ल्यू लाइन के वर्ड्स खत्म होने के बाद हिरागाना पूरा कंप्लीट कर देंगे।
फर्स्ट वर्ड है वा और लास्ट वर्ड है वो. ओके, वा और वो, डब्ल्यू लाइन में सिर्फ दो ही वर्ड्स, वा और वो. ई वाले वॉवल के, ऊ वाले वॉवल के और ए वाले वॉवल के कोई भी वर्ड्स नहीं है, सिर्फ वा और वो. बट अभी जापनीज में वो ज्यादा यूज नहीं करते और वो को ओ प्रोनाउंस करते. सो अभी से मैं बोलूंगा वा और ओ. वो लोग वो ज्यादा प्रोनाउंस नहीं करते, ज्यादा यूज नहीं करते मॉडर्न जापनीज. सो फर्स्ट लेटर इज वा. तो ये लेटर किसके जैसे दिखते हैं, किस दो लेटर जैसे दिखते हैं? करेक्ट, रे और ने. विल मेक वान. पीछे जरा सा उस साइड, नीचे, फिर जब बाहर जाके गौर और रिलीज. बट ये मेरा गलत है. हो गया वाह. ठीक, इच्छी और ये वाह. इसका भी रे जैसा ही है कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बॉटम लाइन को टच नहीं होना चाहिए. सो ये है वाह. वन मोर टाइम. इच्छी ब्रश अप. फिर सेकंड स्ट्रोक नीचे, फिर और रिलीज. मिनट. फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, फिर ऐसे ही पीछे जाओ, इधर जाओ और रिलीज. ओके, सो ये हो गया वाह. वकरी मस्तका. देन ये है ओ. ओके, सो अभी आपको डाउट होएगा कि ये वाला ओ और आ ई उ ए ओ वाला ओ कैसे यूज करने का. तो ये वाला ओ है, ये सिर्फ पार्टिकल्स, मतलब जैसे कि अभी मैं वाता शिवा बोलता हूँ, रोकू जी नी बोलता हूँ, वा नी ओ गा नो, ये सब पार्टिकल्स है. ओके, सो अगर अभी कुरुमा ओ, कुरुमा एक नाउन हो गया और उसके आगे हम लोग ओ डाल रहे हैं, तो ओ पार्टिकल है. सो फिर अगर इस, मतलब जहाँ पार्टिकल रहता है वहाँ ये लेटर यूज होता है. बट अभी कोई स्पेलिंग रहेगा जैसे कि ओइशी, मतलब डिलीशियस, तो फिर उसमें ये वाला ओ यूज होगा जो हम लोग ने वॉवल्स में पढ़ा था, ये वाला. दिस इज यूज्ड इन वर्ड्स. एंड ये वाला ओ ये है पार्टिकल्स में यूज होता है.
बकरी माशा का समझा, ओ और ओ का डिफरेंस। तो फिर अभी हम लोग ओ कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो फिर ओ के 3 स्ट्रोक से, फर्स्ट स्टॉप, सेकंड स्टॉप एंड थर्ड इज ऑल्सो स्टॉप। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक, ये हो गया सेकंड स्ट्रोक, और ये हो गया थर्ड स्ट्रोक, ये हो गया ओ। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक और थर्ड स्ट्रोक। गलत हो गया। ओ में अभी ध्यान देने का क्या है कि थर्ड स्ट्रोक है ना, ये दोनों ये इसके पार नहीं जाना चाहिए, इस लाइन के पार नहीं जाना चाहिए, उसको टच कर सकते हैं, नहीं तो उसके पहले ही रुक सकते हैं, ठीक, दैट इज परमिसिबल। बट उसके पार गया तो फिर वो गलत है। और फिर इसमें है कि यहाँ गैप होना चाहिए, ये वाला स्पेस है ना, यहाँ गैप होना चाहिए। सो डोंट मेक योर ओ लाइक दिस, ये गलत है। ये गलत है। और अगर आपने ऐसा बनाया तो वो भी गलत है। और है कि फर्स्ट स्ट्रोक है ना, मतलब सेकंड स्ट्रोक, सॉरी, वो ऊपर, ज्यादा ऊपर मत जाओ, मतलब आप ऐसे करोगे तो चलेगा, बट अगर आपने ऐसे कर दिया, ऐसे और फिर ये ऐसे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। मतलब एक तो ऐसे करना है, नहीं तो आप ऊपर ही मत जाओ, नीचे इधर से ही ऐसे कर दो। वाकारी माशा का सो अभी हम वर्ड्स की तरफ जाते हैं। फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड को पढ़ो। वाताशी, अभी आप ही इसके ऊपर सेंटेंस बताओ, क्योंकि तो इसके ऊपर सेंटेंसेस हो गए वाताशी के ऊपर। आप बना सकते हो सेंटेंस की मैं बोलूं। हाँ करेक्ट, वाताशी वा दुर्गा दिस, राइट। ओके सो ये हो गया वाताशी का सेंटेंस। देन रीड द नेक्स्ट वर्ड प्लीज। खावा, सो खावा मतलब, ओके, वाताशी वा दुर्गा देश मतलब मैं दुर्गा हूँ, वाताशी वा मतलब मैं आता है, ओके, और दुर्गा नाम है, देश मतलब है। सो अभी मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा वाताशी वा शंकर उपदेश, या सो खावा, खावा मतलब रिवर। सो अभी आपको बोलना है कि ये नदी में बहुत सारे मछलियां है, सब बोलोगे सुनो खावा नो नाकानी ताकसान साकाना गनीस। सोनो खा मतलब, सॉरी, वो नदी में बहुत सारे फिश है, सोनो मतलब वो, खावा मतलब नदी, नाका मतलब अंदर, पाकसान मतलब बहुत, साकाना मतलब फिश, इमास मतलब है। सो वो नदी में बहुत, नदी के अंदर बहुत फिशेस है, बहुत मछलियां है।
सुनो कावा नो नाका नी ताक्षण सकना का इमस सुगी नो कोतोबा ओ योंदे कुदसे वानी वानी मतलब क्रोकोडाइल। तो आपको अभी बोलना है कि क्रोकोडाइल्स आर वेरी डेंजरस। सब बोलोगे वानी का तोते मो अबुनाई दिस और किकेन दिस। वानी मतलब क्रोकोडाइल, तोतमा मतलब तोते मो मतलब बहुत, अबुनाई मतलब डेंजरस, दिस मतलब है। ठीक, वानी का तोते मो अबुनाई दिस, क्रोकोडाइल्स आर वेरी डेंजरस। रीड द नेक्स्ट वर्ड। खाइबा, खाइबा मतलब कन्वर्सेशन। सो अभी आपको बोलना है कि मैंने मेरे नेबर के साथ कन्वर्सेशन करना चालू किया, मतलब उनके साथ बोलते बोलना चालू किया। तो आप बोलोगे वाताशिबा किन जो तो खाइबा ओ हाजमे माशिदा, मतलब वाताशिबा मतलब मैंने, किन जो मतलब नेबर्स, और तो मतलब के साथ, नेबर्स के साथ, खाइबा मतलब कन्वर्जेशन बातचीत, हाजमे माशिदा मतलब चालू किया। वाताशिबा किनजो तो खाइबा ओ हाजमे माशिदा। रीड द नेक्स्ट वर्ड। निवा, तो निवा मतलब गार्डन। तो अभी आपको बोलना है कि गार्डन के अंदर कैट है, ठीक, बिल्ली है। तब बोलोगे निवानो नाकानी नेको गाइमस, निवानो नाकानी नेको गाइमस। निवा मतलब गार्डन, नाका मतलब अंदर, नेको मतलब कैट, इमास मतलब है। ठीक, तो निवानो नाकानी नेको गाइमस मतलब गार्डन के अंदर कैट है, निवानो नाकानी नेको गाइमस। सो ये लेसन में हम लोग का सब वर्ड्स कंप्लीट हो गया। आ ई उ ए ओ, फिर नेक्स्ट था काकी कुके को, गागी गुगे को, फिर साशी सुसे सो, जाजी सुजे जो, सॉरी हाँ जाजी जूजे जो, फिर था टी सीरीज, राइट। मैं एक बार सब आपको चार्ट दिखा देता हूँ, पर आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। तो फिर हम लोग का भी ये सब हो गया। ए लाइन वॉवल्स हो गया, आई यू ए ओ, फिर के लाइन हो गया काकी कुके को, फिर एस लाइन हो गया साशी सुसे सो, फिर सॉरी के लाइन के बाद हम लोग ने जी लाइन किया था, करेक्ट, गागी गुगे गो, और एस लाइन के बाद हम लोग ने जेड लाइन किया था, जाजी जूजे जू, फिर ताची सूते तो हो गया, फिर उसका तेन तेन वाला हो गया दाजी जू दे दो, फिर एन लाइन था नानी नूने नो, फिर एच लाइन था आही फू हे हो, और उसका तेन तेन बाबी बूबे बो, और उसका मारू पापी पुपे पो, फिर एम लाइन मामी मुमे मो, फिर आज हम लोग ने या यू यो रारी रू रे रू वावो ये सीखा, और ये न। सो हम लोग का हिरागाना पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट टाइम हिरागाना में मतलब और रहता है कॉन्जुगेशंस वगैरह, हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। सो इफ देर आर एनी डाउट्स देन प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, नहीं तो आप लेक्चर लीव कर सकते। अरिगातो गोजाइमास, सायोनारा।
थैंक यू, हाँ जापनीज में थैंक यू मतलब अरिगातो गोज़ाइमासु।